एक एक पैसे के लिए मुझे तरसा करके ना बोल देती हूँ, चाहे सामने वाला बुरा माने या भला माने। इसके तो सब इंटरव्यू लेते हैं, सफाई देने के लिए बैठती है, जाकर उसके हस्बैंड से भी तो पूछो, तब पता लगेगा। ऐसे आदमी ना ड्रामा करेंगे, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, मुझे टू ही चाहिए, मैं तुझसे बस क्या कहते, मैं प्यार नहीं करता, उस जबरदस्ती शादी हुई माई फुट। कल आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैं पानी भी पीऊंगी और खाना भी खाऊंगी, मैं नहीं करूँगी करवा चौथ, एनफ इज एनफ। हाय जय माता दी, मैं निशा लांबा, मेरी बहनें लगी हुई करवा चौथ पे मेहंदी लगाने के लिए, सब मेहंदियों के स्टॉल पे बिजी है, पार्लर में बहुत कम क्लाइंट है आज की डेट में, तो मैं यहाँ पे आपके साथ बात करने के लिए आ गई क्योंकि अभी मैं बिल्कुल फ्री थी। एक मेरी वीडियो थी उसके ऊपर कुछ सारे बहुत सारे कमेंट थे, तो मैंने वो कमेंट के कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं और मैं बात करना चाह रही थी कि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करना। तो सबके लिए ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए होती है जो मेरे जैसी बहनें होती हैं, तो वहाँ के लिए है। मेरे पति भी मुझे बहुत मारते हैं, ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मैं इनका नाम नहीं बोलूँगी। एंड पहली बात तो भाई, मैं भाइयों को एक बात बोलूँगी, भाई अपनी पत्नियों को सपोर्ट करो, जैसे वो आपका सपोर्ट करती है ऐसे उनको सपोर्ट करो भाई। एक औरत के खर्चे होते हैं, अगर आपका बजट ना हो तो उसको काम करने दो। एक पत्नी को मारने का हक भाई आपको नहीं होता है। एक औरत का आत्म स्वाभिमान होता है, जैसे आदमी का होता है ऐसे औरत का भी होता है मेरे भाई। अपनी बीवी को मत मारो, अगर आप अपनी बीवी को मारोगे पीटोगे और उसको सफ़र करवाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको बुरा लगेगा, आपकी कामयाबी में भी अड़चन आएगी। क्या पता आप 10 काम कर सकते होगे, आप 2 ही काम करोगे। अपनी बीवी को बहुत प्यार से रखो, अपनी बीवी का बहुत ध्यान रखो, जो अपनी बीवी का माँ का बहन का ध्यान रखते हैं उनको कामयाबी कदम छूती है। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास इतने पैसे का ब्योत नहीं है कि आप अपनी बीवी के बेसिक नीड्स को खर्चा, देखो बीवी को भी समझना चाहिए कि अगर पति के पास कम पैसे है तो उसी के अंदर वर्कआउट करें, बट अगर बीवी की बेसिक नीड भी अगर आप फुलफिल नहीं कर पाते तो आपके दो हाथ और बीवी के दो हाथ मिलकर 4 हाथ हो सकते हैं घर के अंदर काम करने के लिए। मेरी बात बिल्कुल क्लीन है भाई, बुरा ना मानना। दूसरा एक कमेंट आया था, पहले सबको लगता था कि आप गलत हो, लेकिन बिना पूरा सच जाने किसी को जज करने का कोई हक नहीं होता, आप हीरो हो, वी प्राउड ऑफ यू। बहन मेरी नज़र में तो इस दुनिया में हर कोई हीरो है, मैं तो सबको सल्यूट करती हूँ जो ज़िंदगी को जी रहा है, ज़िंदगी से भाग नहीं रहा है, ज़िंदगी के लिए फाइट बैक कर रहा है, वो हर कोई हीरो है। मैं तो जज भी नहीं कर रही कि मेरे साथ सामने वाला गलत था, हो सकता है वो अपनी जगह ठीक हो सकता है मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मुझे मैं अपनी जगह ठीक लगती हूँ। शीशे में मैं अपने आप को देखती तो मैं कभी भी गलत नहीं लगती, जब मैं गलत होती हूँ तो मैं गलत बोल देती हूँ, तो हो सकता है कि वो भी ठीक हो और मैं अपनी जगह ठीक हूँ। मैं अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखती हूँ, जिसमें मुझे सबसे इम्पोर्टेंट मेरी ड्यूटी लगती है, मुझे मैं गलत नहीं लगती हूँ और मैं मरते दम तक गलत ना दिखूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे मेरी सच जीत होती है। आपकी सोच बहुत अच्छी है दिशा जी, आपने सही, आप सही हैं, गलत का विरोध होना चाहिए। भाई मेरा थोड़ा सा नेचर ऐसा ही है, मुझे कुछ बात गलत लगती है तो मैं ना सड़क करके ना बोल देती हूँ, चाहे सामने वाला बुरा माने या भला माने, चाहे अब इस केस में मेरी माँ बाप हो, चाहे इस केस में मेरा पति हो, चाहे आगे आने वाले इस केस में मेरे खुद के पैदा किए हुए मेरे बच्चे हों। अगर ये वीडियो मेरे बच्चे भी बाद में देखें तो मैं बोल रही हूँ भाई, जो मेरे को गलत लगेगा मैं ना ही बोलूँगी, कल को चाहे मेरे बच्चे भी मेरा साथ छोड़ के चले जाए, मैं रिश्तों के लिए अपने एथिक्स को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे जो भी कुछ देने दिया है इस जन्म में, मुझे जो भी कुछ मिला है किसी रिश्ते से नहीं मिला है, मेरे अपने एथिक्स और अपनी कंटिन्यूटी से मिला है। बिल्कुल सही बोली बहन, इस बहन ने ना मिलने का, ना मिले तो सबर नहीं मिलेगा, कदर नहीं है। मैंने उस वीडियो में एक्चुअली ऐसे एक वर्ड यूज़ किया था कि जब इंसान को कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उसके पीछे पीछे पड़ा रहता है, और जैसे उस इंसान को वो चीज़ मिल जाती है वो उसकी कदर नहीं करता है, तो इस पे उन्होंने मुझे बोला। थैंक यू वेरी वेरी, आपकी शक्ल से अच्छा आपका दिल है, थैंक यू वेरी वेरी मच। दिल ही अच्छा होना चाहिए, शक्ल तो इंसान वापस अच्छी बना लेता है, मुझे ऐसा लगता है कि दिल नहीं बनाया जा सकता, दिमाग बढ़ावा दे सकते हैं आप, मतलब दिमाग को आप इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी स्टडी से आप उसको वाइड कर सकते हो, पर एक जो दिल है वो नहीं बनाया जा सकता।
और खूबसूरती तो हम बना ही देते हैं, जिसके अंदर नहीं हो, कमी हो, भगवान के द्वारा दी गई खूबसूरती कमी हो, वो तो हम बना ही देते हैं, वो हमारे अंदर कला है। तो शुक्रिया अदा, आपने दिल बोला। इसके तो सब इंटरव्यू लेते हैं, सफाई देने के लिए बैठती है, जाकर उसके हस्बैंड से भी तो पूछो, तब पता लगेगा। हो सकता है इसका करेक्टर खराब होगा, नोबॉडी नोज। एक करेक्टर खराब वाली औरत कभी कामयाब नहीं होती है, बात आप लिख लीजिएगा। जिसका करेक्टर लेस औरत होगी वो कभी कामयाब नहीं होगी। जो करेक्टर लेस औरत होगी, जिसको अपने से ही मतलब होगा, वो अपने बच्चों के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कह देगी। और दूसरी चीज़ है कि मेरे पास, हाँ मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी बात बोल देती, लोग मेरी बात सुनना चाहते हैं, बिल्कुल आप उनकी बात सुनिए, क्या पता वो बहुत अच्छे इंसान हो, मैं पहचान नहीं पाई हो। देखिए इंसान कोई भी ख़राब नहीं होता है, दो गलत इंसान एक साथ हो जाते हैं तो सब कुछ ख़राब हो जाता है, और जो दो सही इंसान एक साथ हो जाते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है। तो जिसको भी ज़्यादा ललक हो मेरे हस्बैंड से मिलने की, बात करने की और उनका इंटरव्यू लेने की, बिल्कुल लीजिएगा उनका इंटरव्यू। देखिए मैं कभी भी ना उनकी वीडियो में फ़ोटो लेती हूँ, ना कभी उनका मैं नाम बोलती हूँ, क्योंकि मैं बोलना ही नहीं चाहती हूँ। मैं इस कदर नफ़रत करती हूँ उस आदमी से, इस कदर नफ़रत करती हूँ कि कल को रोड पे पानी भी मांगेगा तो दुनिया के किसी भी इंसान को पानी पिला दूँगी, उसको नहीं पिलाऊँगी। आई हेट हिम फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। ठीक है, जाइए इंटरव्यू लीजिए, मैं भी तरफ से आपको फुल आज़ादी है। अगर आपको वो नंबर ना मिले तो आ जाइएगा, हमसे ले जाइएगा, वरना हम बता देंगे कहाँ धक्के खा के आपको इंटरव्यू मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, वहाँ जाके धक्के खाइएगा, वो मिल ही जाएगा किसी ना किसी सट्टेबाज के साथ, ना किसी लौंडियाबाज के साथ। ठीक है जी, मैं क्या करूँ, मैंने भी कोर्ट मैरिज की है, पर वो ऑलरेडी मैरिड निकला, एक लड़की पहले से थी, लड़का मेरे आने के बाद हुआ, उसकी वाइफ को मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, डरती हूँ क्या करूँ। भाई देखो डिवोर्स ले लो, वो अगर आदमी गलत है तो उसके बच्चों का तो कोई गलती नहीं है, अगर वो आदमी करेक्टरलेस है तो इसमें उसकी बच्चियों की तो कोई गलती नहीं है, उस बीबी की कोई गलती नहीं है। आपने कोर्ट मैरिज किया, दो मिनट में एक पेपर पे आपसी समझौते में डिवोर्स हो जाएगा। अगर वो डिवोर्स नहीं देगा, ऐसे आदमी ना ड्रामा करेंगे, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता, मैं मर जाऊँगा, मुझे ट्यूई चाहिए, मैं तुझसे बस क्या कहते, मैं प्यार नहीं करता, उस जबरदस्ती शादी हुई, माई फुट। आप एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, आप एक औरत की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। देखो उसकी तो ज़िंदगी ख़राब ही हो गई, उसके साथ शादी हो गई ऐसे करेक्टरलेस आदमी के साथ, पर उसके पास बच्चे हैं, है ना। अगर वो आदमी उन बच्चों का सहारा बन सकता है तो उसको बनने दीजिए। ऐसे आदमी को ना क्या करेंगे अपनी छाती पे लेके, उसको छोड़िए। एक औरत की ज़िंदगी ख़राब कर मत कीजिए, आप एक औरत ही है, चैन नहीं मिलेगा, इसी जन्म में कर्मा आपको खा जाएगा, चैन नहीं मिलेगा आपको। फिर दो बेटियाँ क्यों पैदा की, पहले ही छोड़ देती, यही मेरे से गलती हुई। 15 दिन में मुझे मार पीट दिया था, यहीं पे मैंने सीखा कि भाई मैंने माफ़ नहीं करना चाहिए। जो आदमी आपकी एथिक्स के साथ ना हो, आपका दिल से समझौता ना हो, और अगर आपको मारता पीटता हो, तो ज़िंदगी के मैंने शायद 12-13 साल निकाल दिए उस आदमी के साथ कि अभी सेट हो जाएगा, अभी सुधर जाएगा। वो नहीं सुधरा, मैंने 2 बच्चे कर दिए, वो नहीं सुधरा। पहले मैंने बच्ची कर दी, सुधर जाएगा, नहीं सुधरा। फिर दूसरे बच्ची का चक्कर में, लड़के के चक्कर में दूसरी भी बच्ची पैदा की, नहीं सुधरा। वो सिचुएशन बस से बदतर हो गई। मैं अपना परिवार चलाना चाहती थी, मैं एडजस्ट करना चाहती थी, मैंने ये जो गलती की कोई और गलती ना करे। समाज आपको ताना, आप 10 दिन में अपने पति को छोड़ दो तब भी मारेगा, समाज आपको ताना जब आप 8 साल के बाद छोड़ोगे तब भी मारेगा, समाज आपको ताना 20 साल के बाद अपने पति को छोड़ोगे तब भी मारेगा। मैं कह रही 15 दिन में ही छोड़ दो, अगर तुम्हें लगे ना भुंडा है, समाज की ऐसी तैसी, तुम्हें रोटी नहीं दे रहा है, छोड़ दो, मेरे से ही गलती हुई है। ओप्सो आप लोगों को मेरे कमेंट समझ में आए हो, इन कुछ कमेंट्स के मैं जवाब देना चाहते तो मैंने जवाब दे दिए। और कई बहनें मुझे कह रही है कि नहीं तुम करवा चौथ बनाओ। मैं नहीं बनाऊंगी करवा चौथ, और मैं किसके लिए करवा चौथ बनाऊँ, मैं बिल्कुल करवा चौथ नहीं बनाऊंगी। मैं थोड़ी बहुत जाके अगर शॉपिंग करूंगी तो अपने आप को खुश करने के लिए करूंगी। आज मुझे फीवर है बहुत तेज़, जुकाम है मुझे,
आंखों में से यही निकल रही है। तो मैं शॉपिंग करूंगी पर मैं अपनी खुशी के लिए करूंगी, किसी और के लिए नहीं करूंगी। कल आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैं पानी भी पीऊंगी और खाना भी खाऊंगी, मैं नहीं करूंगी करवा चौथ। एनफ इज़ एनफ, जिंदगी में एडजस्टमेंट ही नहीं करनी इंसानी मुझे। मैं कह रही हूँ आप लोगों को गंदी लगूंगी, गाली गलौज करती लगूंगी, जिंदगी में एडजस्टमेंट नहीं करूंगी मैं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं बिल्कुल भी एडजस्टमेंट नहीं करूंगी। सो कई बहनें बोल रही है तैयार होना निशा, साक्ष सिंगार करना। निशा तैयार होगी परसों, कल कुछ भी नहीं होगी निशा तैयार, अपनी खुशी के लिए भी नहीं होंगी मैं। और ये सब उन रोस्टरों को, उन बहनों को मेरी तरफ से दिल से बद्दुआ है जो मेरे को गलत गलत कमेंट करती हैं। तुम लोगों ने मेरी एक खुशी छीनने की कोशिश की है, मेरी तरफ से तुम्हारे दिल से जो तुम मुझे चोट लग रही है ना, उस चोट के लिए तुमको भी मुबारक हो। मैं कल पानी पीते हुए भी वीडियो बनाऊंगी और मैं कल खाते हुए की भी वीडियो बनाऊंगी, मैं कतई भी फास्ट नहीं रखूंगी। ये तुम सब बहनों के लिए, ये जो ये जो मुझे प्यार करती है ना उनके लिए नहीं है ये जो मेरे करेक्टर जस्टिफिकेशन करती हैं, उन लोगों को मैं दिल से बद्दुआ दूंगी कि तुम लोगों ने मेरी एक खुशी छीनने की कोशिश की है। लो छीन के खुश हो जाओ। जय माता।